आज मैं पार्ले जी बिस्किट से एक मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा और स्वाद इतना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 रुपये वाले 3 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट लिए हैं। इसको पैकेट से निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। अब हम इसको तेल में फ्राई करने वाले हैं। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको लो फ्लेम पर ही हल्का फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हाई फ्लेम पर ये पिघलने लगता है क्योंकि इसमें चीनी होती है। यहाँ पर आप तेल की जगह पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से बाकी बिस्किट फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सभी बिस्किट फ्राई कर लिए हैं। अभी ये गर्म है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसको जार में डालकर पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, इसको साइड में रखकर आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर कढ़ाई में दूध डाला है, इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है, बीच बीच में चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि इस पर मलाई की परत नहीं जमेगी। फ्लेम हाई रखनी है। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, हमको इससे ज़्यादा और गाढ़ा नहीं चाहिए, इतना ही गाढ़ा चाहिए था। इसी स्टेज पर इसमें बिस्किट डाल देना है जो हमने पीसा था। बिस्किट डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है, बिस्किट सारा दूध सोख लेगा। इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज पर फ्लेम मीडियम रखनी है। अब इसमें 1 कटोरी चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब ये तैयार हो चुका है। अब इसको एक सांचे में निकाल लेंगे। इसमें ये रखने से पहले सांचे को घी से या तेल से ग्रीस कर लेना है, फिर कलछी से इसकी सरफेस को स्मूथ कर लेना है इस तरीके से इसको दबाते हुए। तो देखिए इसकी सरफेस स्मूथ हो गई है। अब इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको डेकोरेट कर देना है। फिर इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। इसकी इस तरीके से कतली कट कर लेनी है। मेरे घर में ये आज की रेसिपी सबको बहुत पसंद आई थी, खास करके मेरे पापा को, और मैं तो बनाने के बाद ही तुरंत ही 2-4 पीसेस खा गई थी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।